कुछ है, आज माता जी ने चांदी का मुकुट पहना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। जय माता दी। आज है माता रानी का आठवां दिन, यानी कि अष्टमी का, महागौरी का है दिन आज। तो अभी सुबह की हो चुकी है शुरुआत, तो आप सभी को सुबह की प्यार भरा गुड मॉर्निंग और जय माता दी। और आज अष्टमी को हम सभी लोग व्रत हैं, तो अभी सुबह उठ करके जल्दी से झाड़ू पोछा किया, और आज ना उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। ऐसे 5:30 या 5 बजे तक तो उठ जाते थे, लेकिन आज ना मतलब 6 बजने वाला था एकदम। तो भी उठ करके जल्दी से नहाया वहाया, झाड़ू पोछा किया, और पापा पाठ कर रहे हैं, और अम्मा को दे दिया है आलू, वो छील रही थी, और मम्मी पूड़ियाँ, मतलब अष्टमी को अठौरी हमारे यहाँ चढ़ाई जाती है, तो वही बना रही। कैसा लग रहा है व्रत रख के? अच्छा लग रहा। भूख नहीं लग रही? बिल्कुल सही में। जल्दी जल्दी नहा लो, नहा वहा के खाओ, व्रत हो आज। जल्दी नहाइयो। कहाँ खा लेगी? नहीं, आज व्रत हो तो जल्दी नहाओ, जल्दी खा लो, कपड़ा धोवे, खा के फिर वही के बाद पूजा करो। खा के पूजा करो बस। इसके बाद पहले दुर्गा मैया खाइए, तब हम खाओ। पाठ चल रहा है, बढ़िया धूप आ रही है ना मां? तो ये देखिए, यहाँ पे मम्मी बना रही हैं, और उसके बाद में पापा जब तक पाठ कर लेंगे, उसके बाद फिर ये चढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर व्रत का जो बनेगा, और ये शायद 18 बनाए जाते हैं, और मम्मी ही बनाती है, क्योंकि जो स्थापना करता है उसको ही बनाना चाहिए, तो इसलिए मम्मी ही बना रही हैं। और वो बना करके मम्मी ने रख दिया है, और इधर मतलब रंग लगा रही हैं अपने। देखो अम्मा कह रही हैं कि ठीक से पूजा करे रहो, जैमें बढ़िया बढ़िया दुल्हन मिले। आशीर्वादो देती हैं अम्मा। और का कही, कही तो बढ़िया दुल्हन मिले, हमका बढ़िया दामाद मिले। अच्छा कमाओ, अच्छा कमाओ। हाँ नती जब तक आओ, देखो पिया के चाय बन नहीं, चाय 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 चाय। अरे भागो वाला एक जन भागी, हवन करे बनिए। दलिया है मीठी के लिए, खाली पहले का छुआ दी जाए। बता सो हम एमे कुछ बोलित हो तो बताओ। दुई दुई रखी फूल मत निकाला। हां ये गाय की होई ना, ये निया के। अच्छा अच्छा, जन धन यो। पूरी तैयारी हो चुकी है पूजा की, और अब होने जा रहे हैं। ये अग्यारी करेंगे ना, तो इसके लिए बल्ला चाहिए, तो अभी बाहर से लेकर के आए, इसको हम गैस में जला लेते हैं, तो इसी में अग्यारी करेंगे, क्योंकि ये जरूर करना चाहिए, तभी माता जी खाती हैं आग में इसे। वही तो नाम करो। अम्मा का डांस मैया। हाँ भाई, आपको के मनसा पूरी करन माता रानी। बस तो घर में पूजा करने के बाद में फिर यहाँ पे आ गए हैं फूलमती माता के मंदिर में, क्योंकि कुछ भी होता है ना, पूजा अष्टमी की हो या कोई भी, तो यहाँ फूलमती माता को मंदिर में हम लोग जरूर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम लेकर के आ गए हैं फूलमती माता की, मम्मी ने अलग बना लिया था, तो वो चढ़ा देंगे, और गाय के लिए भी लेकर के। और आज के दिन तो बहुत ज़्यादा रामायण हो रही है, चारों तरफ बस रामायण की ही सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे मम्मी ने पूजा करने के बाद में थोड़ा सा मंदिर को सजा लिया है, आईपन लेकर के आई थी ना, तो वही लगा करके थोड़ा सा सिंदूर लगा दिया है, और ये फिर प्रसाद जो बना कर रखा था वो चढ़ा दिया, और उसके बाद फिर गाय को मम्मी खिलाने जा रही थी ना, तो ये गाय ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखती नहीं है कभी, तो मारने की कोशिश कर रही थी, फिर मैंने उसको खिला दिया। और ये देखिए, उसके बाद यहाँ आकर के मम्मी सिंघाड़े का आटा लगा रही हैं, और आलू उसके बाद फिर फ्राई कर देंगी, और इसमें थोड़ा सा आलू डाल करके मैश कर दिया, तभी ये बनते हैं, हाथ से ही बनाए जाते हैं, बेलकर तो बनते नहीं है। तो ये देखिए सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ, और ये आलू हो जाएगी। तो सब लोग आज व्रत हैं पूरा, सब लोग मतलब कोई भी नहीं है जो व्रत नहीं है, भाई भी व्रत है सब लोग। तो यहाँ पे देखिए अम्मा को दे दिया है, थोड़े से मखाने फ्राई किए थे।
अम्मा और नातिन के ड्रेस एक ही जैसी हुई है, एकदम सेम सेम कलर है, सेम वैसे देखो फ्लावर जो बने हैं वाइट कलर के है ना, अम्मा के देखो मैक्सिमम वाइट कलर एकदम सेम हुई है अम्मा, है ना। आज व्रत है अम्मा अष्टमी का। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। तो भाई का बहुत मन था कि मखाने भी भून लो और साबूदाना के पापड़ भी भून लो, तो हमने कहा वो हम शाम को भून देंगे। अभी ये सिंघाड़े की पूड़ियाँ हैं, आलू है, थोड़े से मखाने भी भून दिए थे ताकि उसको हो जाए कि नहीं हाँ भून दिया है। तो ये चल रही है कल कुमारी खिलाने की तैयारी। अच्छा भून लिया मम्मी, खुशबू बढ़िया आ रही, एकदम परफेक्ट है। हमने सोचा कि भूंज के रख लें, सुबह जल्दी हो जाएगी। साबूदाना बिन के रख रहे हैं क्योंकि इसकी खीर बनाएंगे। ये देखो दाना हो गया, कितना ज़्यादा ख़राब लग रहा है, तो इसको भून ले रहे हैं। तो इसको हम देख करके रख ले रहे हैं, इसकी खीर बनाएंगे। तो कुछ कंकड़ वंकड़ हैं इसमें। मिथु होले, हमारे मिथु लू है। पापा आ गए क्या? आए क्या पापा? तो पापा भी हवन करने के लिए जा रहे थे, तो उससे पहले पापा ने माताजी को मुकुट पहना दिया है। ये चांदी का मुकुट है और इसको पहना करके, मतलब पहनाने से पहले थोड़ा सा इसकी पूजा कर दी थी गंगा जल और सिंदूर से, उसके बाद फिर माताजी को इसको पहना दिया है। और तो जब पापा इसको पहना रहे थे और पूजा कर रहे थे तब तो हम उधर कोई काम कर रहे थे, तो हमने ध्यान नहीं दिया। अभी आपको दिखा रहे हैं, तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। सभी को बहुत पसंद आया है आज नवरात्रि का, और माता जी ने चांदी का मुकुट पहन लिया है। तो सब लोग बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो अष्टमी को हमारे यहाँ हवन भी होता है, तो पापा हवन की कर रहे हैं तैयारी। तो उसके बाद हवन होगा और अभी हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खीर। और अम्मा भी देखो बहुत खुश हैं, आज माता जी ने चांदी का मुकुट पहना है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप लोगों ने देखा ही है ना। तो अभी पापा हवन की तैयारी कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। ये देखो हवन सामग्री वगैरह निकाली जा रही, और इधर हम दूध गर्म कर रहे हैं। ये देखिए ये साबूदाना धुला हुआ रखा है, इधर दूध ये खोल चुका है, इसमें हमको साबूदाना डालना है। दही निकाल के रखी थी ना मैं, ये केला धो के दही दो पापा का, दही बाहर रख देते हैं ताकि कल जो है कढ़ी बनेगी ना थोड़ा सा खट्टा खट्टा हो जाएगा तो अच्छा लगता है ना मैं। ये केला धो के दही दो पापा। तो इधर पापा हवन कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे आज से ही पाठ खत्म हो जाएगा, मतलब अष्टमी तक ही पाठ करना होता है, उसके बाद में फिर हवन हो जाता है। और किसी किसी के यहाँ नवमी को होता है, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ही अष्टमी को होता आ रहा है। तो आज भी देखिए अष्टमी को ही हवन किया जा रहा है। और इधर मम्मी आटा लगानी है सिंघाड़े का, तो थोड़ा सा ही बस लगाएंगी क्योंकि उसका साबूदाना की खीर बनी है ना, तो बहुत थोड़ा ही सबका मन है खाने का, तो थोड़ा सा नमकीन भी हो जाएगा, थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। और ज़्यादा करके हमेशा साबूदाना की खीरें बनाते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो ये देखिए बन रही है, और इधर पापा भी हवन कर चुके हैं। तो ये जो नारियल चढ़ाते हैं ना माता जी को, वो आज फोड़ दिया जाता है और यही महाप्रसाद जाता है, तो सब लोग खाएंगे और आप लोग भी खाना। तो आप लोग भी प्रसाद खाओ, माता रानी का नारियल, यही महाप्रसाद है। चलो अच्छा गाना गाओ, आज व्रत है गाना। पहले एक बार मम्मी सुनाई है, एक बार अम्मा सुनाई है। अम्मा का ये गाना हम गए, इधर देखो हमरी के गाओ, एक जने गाओ पहले। को गावे जा रहा है? मीठी दलिया है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मुझे मेरा लाल। रिश्ता ये सोता
श्याम से है कौशल्या का रिश्ता भी राम से। इधर देखो मैं हूँ तेरा लाला का जो श्याम से है कौशल्या का रिश्ता। पापा इसे देखो है वही सना श्याम पापा तो गाते गाते मम्मी इमोशनल हो रही। तो मैंने मम्मी को और अम्मा को गाना गाने के लिए बोला था, लेकिन मम्मी और अम्मा दोनों लोग बहुत इमोशनल हो गई थी और रोने लगी थी, और शायद मम्मी को ना अपनी मम्मी की याद आ गई होगी, लेकिन अम्मा ने ना बहुत प्यार से उनको समझाया। पापा नहीं है, अब अम्मा कुछ हो जाए तब तो हम एकदम हो। अम्मा तुम मरे हो ना। और अभी मम्मी यहाँ पे सिंघाड़े की आटे की पूड़ियाँ बना रही हैं, और ये साबूदाना के पापड़ थोड़े से भून लिए हैं क्योंकि सुबह उसका भाई का मन था तो अभी भून लिया है, और ये है साबूदाना की खीर। और रखने के बाद में ना काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। इधर देखिए सब्जी हमको निकाल करके हमने निकाला था, थोड़ा सा बाहर गिर गई है, और ये देखिए हमारी साबूदाना की खीर। और जब ये गाढ़ी हो जाती है ना तो बिल्कुल रबड़ी वाला टेस्ट आता है, इसलिए मुझे ये खीर सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी करना, और कमेंट करके बताना कि कैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।